गुरु ग्रंथ साहिब जी जिदा साडा कुराने पाक है ना, इस तरह ही सिखा दी गुरु ग्रंथ साहिब जी है। अज आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाबा फरीद जी दे कुछ उपदेश है। खैर पहले तो आप वीडियो देखने, वीडियो आई थी बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की। खैर पहले आप वीडियो देखने फिर आप गलबात कर। संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बाबा फरीद जी की वाणी है, जिसमें वे हमें समझाते हैं कि इंसान तमाम उम्र सच को ढूंढता रहता है या मन के सुकून को ढूंढता है। यह सच, यह सुकून, यह आनंद, यह रब, जिसे इंसान दिन रात कहीं बाहर ढूंढता है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि वह कहीं और नहीं बल्कि वह तो तेरे अंदर ही है। जैसे कि बाबा फरीद जी अपनी वाणी के अंदर जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, उसमें फरमाते हैं कि फरीदा जंगल जंगल क्या भवे, वन कंडा मोड़ है, वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढे। ऐ इंसान, तो क्यों जंगल जंगल जाकर उसे ढूंढ रहा है, क्यों कांटों के साथ खुद को जख्मी कर रहा है। जिसे तुम खोज रहे हो वो तो तेरे भीतर है, तो खोज को सही करो, खुद को खोजो, मन में तलाश करो, वही मिलेगा, किसी और स्थान पर नहीं। तो बाबा फरीद जी बहुत ही साफ साफ हमें समझाते हैं कि खुद की खोज करो। खुद की खोज करना रब की खोज करना है। संगत जी, बाबा फरीद जी जहाँ इस बात का हमें ज्ञान देते हैं कि तलाशना खुद को है, लेकिन हमें तो ये समझ नहीं होती कि हम खुद को कैसे खोजें, क्या करें, कैसे करें। तो बाबा फरीद जी इसका भी समाधान बताते हैं कि खुद को खोजने का अर्थ है भीतर के अवगुणों को दूर करना। जब खुद के अवगुण दूर कर लेते हैं तो हम उस रब को पा लेते हैं जो सदा से हमारे साथ था, बस हमने कभी भीतर ढूंढा ही नहीं। लेकिन हमारे अवगुण दूर कैसे हो, तो उसके लिए आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा धारण करनी पड़ेगी और उनकी वाणी को पढ़ना और समझना पड़ेगा। यह गुरु की वाणी दवा के रूप में काम करती है। जैसे जैसे हम गुरबानी को पढ़ते हैं, यह गुरबानी रूपी दवा हमारे अंदर से अवगुण कम करते जाती है, यह हमारी जो अवगुणों वाली बीमारी है उसे दूर करती जाती है। तो बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि गुरु के पास जाओ, उस समंदर के पास जाओ जिसमें कीमती हीरे जवाहरात पड़े हैं। फरीदा, सोई सरवर ढूंढ लै, जिथों लब्बी वथ, छप्पड़ ढूंढे क्या होवे, चिक्कड़ डुबे हथ। क्या इंसान वह समंदर ढूंढ जिसमें हीरे मोती हैं, यानी सच्चे गुरु को ढूंढो। संगत जी, आज हमें सच्चा गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तो हमें मिला ही हुआ है। हमें तो गुरु समंदर के पास जाकर उनकी वाणी को मन लगाकर पढ़ना है। लेकिन बाबा फरीद जी अगली पंक्ति में हमें कुछ और संकेत भी देते हैं कि जब हम सच की तलाश में निकलते हैं तो रास्ते में पाखंडी भी मिलते हैं। तो शेख साहब फरमाते हैं कि किसी झूठे बाबा पाखंडी के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि गुरु तो समंदर है मगर पाखंडी एक छोटे तालाब की भांति है, जिसमें कीचड़ के अलावा कुछ न मिलेगा। वहां से केवल हाथ ही मैले होंगे, जीवन ही मैला होगा, वहां से केवल कर्मकांड ही मिलेगा। लेकिन गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें खुद को खोजने का रास्ता पता चलेगा, और पता चलेगा कि जिसे मैं कहीं और ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास ही था। जैसे कि बाबा फरीद जी की वाणी में गुरु साहब अपना श्लोक दर्ज करते हुए फरमाते हैं कि हाँ टुडेंदी सज्जना सज्जन मैंडे नाल, कि जिस मित्र को मैं कहीं बाहर ढूंढ रहा था वह तो मेरे साथ ही था, हर पल पास था, बस मैंने कभी उस तरफ देखा ही नहीं, मैं तो खोज ही गलत कर रहा था। तो संगत जी, जब हम बाहर के बजाय खुद के भीतर गुरु के ज्ञान का प्रकाश करेंगे तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, ना केवल अंदर बल्कि बाहर भी। इसलिए स्वयं को गुरु की वाणी से ढूंढे, खुद को पढ़ें, खुद को देखें। गुरबानी हमारे मन का आईना है जो हमें बता देती है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है,
और हम क्या बन चुके हैं, मगर हकीकत में जो हमारे अंदर है वो सिर्फ की जोत है। तो गुरु साहब हमें समझाते हैं कि उस जोत के साथ जुड़ना है, अपने अवगुणों को दूर करना है और गुरु की वाणी से जुड़कर उसको पाना है जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, जो सबके भीतर है, जो तारों के भीतर है, जो फूलों के भीतर है, जो पहाड़ों के भीतर है, जो हमारे भीतर है। तो संगत जी, खुद को खोजें, खुद को तलाशें, गुरु की वाणी के साथ जुड़ें और उस रब को पाएं। धन्यवाद। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाबा फरीद जी की आप बाणी सुन दे सके, वह भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के बेच। यार वीडियो सुन के ना आनंद आ गया। बाबा फरीद जी तो मुसलमान से। बाबा फरीद जी, हाँ जी, बाबा फरीद जी तो मुसलमान से। अच्छा, फिर देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, मतलब कि सिखा दे गुरु है, तो वो मुसलमाना की बाणी भी शामिल है। एक छोटी गल नहीं, बड़ी वही गल है। असल दे विच होया इस तरह में कि जिहड़े जिहड़े सी ना गुरु साहिबान, उन्होंने जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी ने लिखिया ना, जदों उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मतलब कि दुनिया सामने लिया, उन्होंने ये नहीं वेख्या कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, नहीं। उन्होंने जिथों जिथों चंगी गल लगी ना, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के शामिल कर दी। मतलब कि जिथों जिथों उन्होंने चंगी गल लभी, बिल्कुल उ चीज़ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के शामिल करके दुनिया ने दसिया कि भाई इस चीज़ का लाओ, ये चीज़ सही है। बाकी यार वीडियो सुन के तो आनंद आ गया। बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी वीडियो अच्छी लगी है कि जिस तरह के उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला नूं ढूंढना ना, तो तुसी जंगलां विच ना जावो, उथे अपने आप नूं जख्मी ना करो। उपदेश सीगा कि एक कांटियां कोल ना जाओ। हां जी, इदां ही इदां ही। बिल्कुल, आप अगर खुदा नूं ढूंढना तो तुसी अपने आप दे अंदर ढूंढो, अपने आप दे तुहाडे अंदर है, ओह किते जंगलां च नहीं है कि तुसी उहनूं उथे ढूंढन जांदे जां किते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। अच्छा, इहो चीज़ साडे कुरान पाक च लिखी है कि अल्लाह ताला कहिंदा कि मैं तेरी शाहराह तो भी ज़्यादा करीब है। बिल्कुल, कि मैनू किसी होर पासे जाण दी पौड़ी ला के मैनू चढ़न दी, बाबियां कोल जाण दी, बाबियां नूं कहना कि मेले दुआ करो, अच्छो रूह फेरन वाले जिहड़े दो नंबर बाबे ठग, इन्हां कोल जाण दी कोई लोड़ नहीं, मैं तेरी शाहराह तो भी ज़्यादा करीब है। तो इहो ही चीज़ गुरु ग्रंथ साहिब जी दसंदे ही है। बाकी यार एक एक गल पूरे जिन्हें आप शब्द सुने हैं, जिन्हें एक एक गल बिल्कुल सही है, इत्थों पता चलता वै कि धर्म माड़ा नहीं गा, कोई धर्म माड़ा नहीं गा, बस उन्हें समझ देने वाले, समझ देने वाले कुछ गलत कर देंगे। असीं कुछ होर सुनते रहे हैं, असीं तो शुरू तो यही सुनते रहे हैं कि सिख बड़े बुतप्रस्त लोग है, सिख बड़े जालम लोग है, सिख इदां दे लोग, असीं तो यही चीज़ सुनते रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जे आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की आप गल करिए, जेडे उन्होंने उपदेश, फिर तो गुरु फिर अपना फिर तो मुसलमाना की बाणी में शामिल, बाबा फरीद जी तो है मुसलमान है, उन्हों की बाणी में शामिल, तो उन्होंने बाणी के क्या कि अल्लाह एक ही है। वो अगे झुकना, वो अगे पूजा पाठ ही करनी है, वो अगे झुकना है, किसी कोई बुत प्रस्ती नहीं। तो बाकी यार आप वीडियो की गल करिए, वीडियो सूँ बड़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, वीडियो सुन के ना तो एक आनंद आ गया सू। बिल्कुल, उन्होंने आवाज़ भी बड़ी के सही, आवाज़ बिल्कुल एक एक गल बिल्कुल सही गल की। हाँ जी, उन्होंने गल बड़ी अच्छी की थी। ते बाकी जो असं अपनी मुसलमानी की नज़र में जो समझने से वो तुम दसता, बाकी सा नव चैनल है, नवे चैनल सबसक्राइब करो ताकि साड़ी नवी वीडियो तेजे तक जल्दी तो जल्दी पहुँचे। तो बाकी मिलने तुम अगली वीडियो वास्ते, इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।